दोस्तों मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये यहाँ पे पहले साधु संत रहते थे, जो कि हमारे दादा के दादा दादाजी ने भी नहीं देखा, पर बोलते हैं कि यहाँ पे पहले साधु संत रहते थे। और ये हमारी ज़मीन है अभी प्रेजेंट टाइम पे, तो पर हमने तो नहीं देखा, पर यहाँ पे पहले साधु संत ही रहते थे इस ज़मीन पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो साधु संत कहाँ कहाँ रहते थे। ये पगले रख रखे हैं साधु संतों के, पहले के जो बहुत पुराने हैं। ये साधु संतों के पगले हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। और इस पे लिख भी रखा है उस टाइम से ही श्री राम जी। और ये नीचे वो लिख रखा है, अब इसमें समझ में नहीं आ रहा ये मेरे को क्या लिखा हुआ है। और सेम ऐसा ही इसमें है श्री राम जी, और यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। और मैं आपको साधु संतों की और चीज़ें और बताता हूँ। ये पेड़ है बहुत पुराना, काफ़ी टाइम से यहीं पड़ा हुआ है। मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ साधु संतों के बारे में। जो साधु संत रहते थे वो इसमें रहते थे पहले। ये साधु संतों का घर है, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से भी। ये भी तो हमने ये लगा रखा है, ये अंदर से देख लो आप, ऐसा है ये, जो कि बहुत पुराना है। और ये पत्थर से नहीं, जंजर बाटे से बना हुआ है, अभी तो टूट गया, बहुत पुराना है। और ये पट्टियों से नहीं बनाया हुआ, कातलों से बनाया हुआ है। ये देख लो कातले लगे हुए हैं इस पर। और ये यहाँ पे कुछ कोटने का जुगाड़ है इसमें, अब क्या पानी भरते थे क्या करते थे ये हमको नहीं पता। और दिखाता हूँ मैं आपको, और ये साधु संतों का कुआं है जहाँ पे साधु संत पहले पानी पीते थे। ये रहा जो मात्र मात्र ये इतना ही गहरा है, 15 फीट गहरा है ये। और उस टाइम पे 15 फीट पे भी पानी था, और आज हमने 850 फुट बोरिंग करवा लिया तो भी उसमें पानी नहीं निकला। अब जो बोलते हैं ना राम काल्पनिक है, तो अब आप देख लो कि राम जी उस ज़माने में भी साधु संत भी जानते थे राम जी के बारे में, तो राम काल्पनिक कैसे हो सकते हैं। और यहाँ पे भी बनाया हुआ है उनका कुछ, यहाँ पे भी पगले बनाए हुए हैं राम जी के, ये देख लो आप। ये साधु संतों के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।